वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होगा कि वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। परंतु इस प्रकार के टेंस में ना ही काम के शुरू होने का समय पता रहता है, ना ही काम में लगा हुआ समय हमें ज्ञात रहता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है मगर काम के शुरू होने का समय या काम में लगा हुआ समय नहीं मालूम होता है। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत होता है। अर्थात इसे इसका ट्रांजेक्शन बनाते समय हम इज, एम, आर तथा वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इस का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में आई का प्रयोग किया गया है तो एम का प्रयोग करते हैं, और यू और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग हम करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक होता है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आई एन जी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बारहवें टेंस में सबसे आसान टेंस होता है। अगर आप ध्यान से जरा सा भी ध्यान से अगर समझ लेंगे तो हमेशा के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम शुरू से फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान समय में किसी काम के जारी रहने की सूचना मिलती है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसकी पहचान यह है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि में से कोई एक होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस में इसका नियम यह है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया में आई एन जी लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद वर्ब में आई एन जी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, अगर क्या से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो क्या से अगर शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आई एन जी उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन जो है सेंटेंस के बीच में कहीं पूछता है, तो जहां वो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, जहां क्वेश्चन पूछा होगा उसी वर्ड को पहले लाके रखेंगे। देखिए लिखा हूं मैं इंट्रोगेटिव वर्ड, उस वर्ड को पहले रखेंगे, जैसे माता जी कहां खाना पका रहे हैं तो कहां है ना ये, तो इसी को हम पहले रखेंगे, वही इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं शुरू में भी बताया हूँ कि सबसे आसान टेंस में से एक होता है। इसकी पहचान यह है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अर्थात इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर में से सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब कोई एक लगाएंगे तथा वर्ब में आई एन जी का प्रयोग हम करेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप उसे हमें पूछ भी सकते हैं। क्योंकि ये सबसे आसान टेंस है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम फोकस नहीं कर रहे हैं, जो एसेंशियल चीज़ थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता दिया। अब सीधा आते एग्जाम्पल की।